श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। आज हम 25वां श्लोक से 23वां श्लोक तक का जो 8 श्लोक है उसे दो विभाग कर चार चार श्लोक एक एक ग्रुप में बताएंगे। पहला चार श्लोक इस प्रकार है। पहला श्लोक 26 श्लोक है, 26वां श्लोक है हयग्रीव स्तोत्र में। तमांसि भित्वा विशदैर्मयूखैः संप्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चंद्रमिव स्फुरन्तम्। तमांसि भित्वा विशदैः मयूखैः संप्रीणयन्तं विदुषः चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चंद्रम इव स्फुरन्तम्। ऐसा पदच्छेद है। भगवान का स्वरूप हम पहले से ही हयग्रीव भगवान का स्वरूप के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी एकदम स्फटिक जैसा स्वच्छ स्वरूप है, सफेद 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 स्वरूप है, घोड़ा जैसा मुख है, और जिस स्वरूप में ही मधुकैटभ दोनों राक्षसों को हरा कर उनसे ज्ञान को चुराया हुआ ज्ञान को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंपे थे ये हयग्रीव भगवान। इसलिए ज्ञान प्रदात्री देवता के रूप से इनकी प्रसिद्धि है। गरुड़ भगवान इसी हयग्रीव भगवान का मंत्र को वेदांत देशिक जी को त्रिवहींद्रपुरम क्षेत्र में उपदेश दिए गरुड़ भगवान। पहले गरुड़ भगवान के बारे में उपासना किए थे और पुरश्चरण के बाद जो प्रसन्नता हुई गरुड़ भगवान की उससे वो हयग्रीव भगवान की उपासना की प्रेरणा दिए, जिससे स्वामी वेदांत देशिक जी ने हयग्रीव भगवान के का ध्यान करके और प्रसन्न होकर जो हयग्रीव भगवान का साक्षात्कार हुआ तब जाकर ये स्तोत्र की रचना हुई थी। अर्थात साक्षात भगवान का दर्शन करके वेदांत देशिक जी उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसमें ये श्लोक इतना सुंदर श्लोक है कि उसे हम मंगल श्लोक के रूप से कभी भी तमाम से भित्वा विशदैर्मयूखैः संप्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चंद्रमिव स्फुरन्तम्। इस श्लोक का वर्णन के बाद भगवान वेदांत देशिक जी स्वयं प्रार्थना करने वाले हैं। क्या क्या चाहिए? हर एक स्तोत्र में स्तोत्र करने के बाद भक्तों को जो आवश्यक है उन चीज़ों को मांगने के लिए एक प्रक्रिया है और बाद में फलश्रुति भी आती है। और इस श्लोक तक का वर्णन भगवान का स्वरूप का वर्णन है। अपने विशद मयूखों से स्पष्ट विशदई ही मयूखई ही मयूख यानी किरण अपने तेजस पुंज से तेजस तेजस का समूह से अर्थात भगवान के स्वरूप से निकलने वाली जो तेजस है उसके किरणों के द्वारा अपने अंधकार हृदय में रहने वाला जो अज्ञानांधकार है उस अज्ञानांधकार को भित्वा भेदन करके यानी इतना घन अंधकार है इतना घनिष्ठ अंधकार है ये घनिष्ठ अंधकार भी क्या है एक स्वरूप लेकर खड़ा है जैसा अपने अज्ञान रूपी अंधकार भी विराजमान है उस अज्ञान रूपी अंधकार को भेदन करना पड़ता है। पहाड़ जैसा विराज रह रहा है अपना अज्ञान अंधकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है उसे चकनचूर करना तो असंभव है उसे भगवान अपने तेजस पुंजों के द्वारा करते हैं। जितना ब्लैक होल थियरी बोलते हैं अपना अज्ञान अंधकार भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल थियरी ही है यानी इतना बड़ा अंधकार है कि घनिष्ठ अंधकार है। और वर्षती वांजनम नभः
ऐसा कवि को कहना पड़ा, अंधकार कैसा है, आकाश से अंजन की वृष्टि होती है, काजल की वृष्टि होती हो, अगर काजल की बारिश होती हो तो किस प्रकार रहेगा, वैसा अज्ञान अंधकार अपना है, ऐसा एक कवि का निर्वर्णन की प्रक्रिया है। वो ही याद आता है तमाम सी भित्वा शब्द के द्वारा, यानी तमाम सी दूर करके ये नहीं बताए, तमस को एक स्वरूप लेकर आया हुआ तमस को भेदन करना पड़ता है ना, पत्थर को भेदन करना बोलते हैं, पत्थर कठिन तत्व है, उसको भेदन करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उस प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को तोड़ना पड़ता है, ऐसा शब्द कहने से ही पता चलता है कि ये अज्ञान कितना घनिष्ठ है हमारे हृदय में रहने वाला, ये पता चलता है। और हयग्रीव भगवान उतने में सक्षम है, तमाम सी भित्वा कैसे विशदैर्मयूखैहि स्पष्ट, क्योंकि अज्ञान को दूर करना है तो स्पष्टता चाहिए, कहने वाले गुरुजी स्पष्ट कहते हैं तो हम समझने में हमें आसानी लगता, नहीं तो ऊपर से जाता है, बोलते हैं ना लोग विद्यार्थियों को, मैं कभी 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 ऐसा गुरुजी ऊपर से जा रहा है तब तो और स्पष्टता से कहते हैं। तो इसलिए विशदैहि मयूखैहि तमांसि भित्वा विदुषा चकोरान संप्रीणयन्तम् विद्वान रूपी चकोर पक्षी, क्योंकि चंद्र का किरण चकोर पक्षी खाता है, चकोर पक्षी अन्न नहीं खाता है, चकोर पक्षी पानी नहीं पीता है, चकोर पक्षी चंद्र का किरण को ही पीता है, इसलिए रामचंद्र को देखने वाले आंखों को चकोर के साथ वर्णन किया जाता है, क्योंकि रामचंद्र जी हैं, राम को चंद्र के रूप से तुलना करते हैं, तब तो उसे पीने के लिए तत्पर रहने वाली सीता जी हो या भक्तजन हो या नगरजन हो, सब लोगों के आंख को चकोर पक्षी के साथ तुलना करते हैं। इसलिए इधर भी विद्वान लोग जो हैं वो हयग्रीव भगवान की कृपा के लिए तड़पन रखते हैं, तो इसलिए वो चंद्र के रूप से उनका वर्णन करने के बाद चंद्र का किरण को पीने के लिए तत्पर रहने वाला ये जो विद्वान रूपी चकोर पक्षी हैं, चकोर पक्षी वस्तुतः चंद्र किरण पी लेता है, यहाँ विद्वान रूपी जो चकोर है वो हयग्रीव भगवान रूपी चंद्र किरणों को पी लेता है, ये कहने में कितना सुंदर भाव निकलता है। देखिए पूरा पहले से लेकर विशदैहि मयूखैहि तमाम सी भित्वा, रात में अंधकार को दूर कर देता है चंद्र किरण, सफ़ेद 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 किरण सब जगह पे, और पूर्णिमा के दिन कैसा रहता है, वैसे वो भी चित्रा पूर्णमी चित्रा काप्य भिक्या तयोर आसीत ब्रजतो शुद्ध वेशयो हो श्लोक में, और रघुवंश में भी कालिदास वर्णन करता है काप्य भिक्या तयोर चित्रा चंद्र मसोरी, वह ऐसा कहता है चित्रा पौर्णमी के दिन में किस प्रकार, वैसे ही इधर भगवान हयग्रीव भगवान चित्रा पौर्णमी के समान विराजमान हैं, विदुषा चकोरान संप्रीणयंतम संतुष्ट कर देते हैं, चकोर पक्षी को चंद्र किस प्रकार संतुष्ट करता है अपने किरणों के द्वारा, और वो पानी पीने के बिना तड़पन में बहुत सालों से रहता है तो चंद्र आता है, महीना तक रहता है तो पूर्णिमा के चंद्र जब आता है तब वो पी लेता है पानी, तब तक प्यासी रहता है, उसी प्रकार विद्वान लोग हयग्रीव भगवान के बिना प्यासी रहते हैं, तो प्यास बुझाने के लिए हयग्रीव भगवान के तेजस की जरूरत है, जो स्पष्ट है, जो ज्ञान प्रदात्री है, आय से आपका स्वरूप को शरद घने शरद काल के बादलों के बीच में चंद्रमिव स्फुरंतम चंद्र के समान नवपुंडरी के स्फुरंतम नया नया कमल के ऊपर, वो कहाँ विराजमान है, एक पुंडरीक के में विराजमान है, नवपुंडरीक में विराजमान है, नवपुंडरीक में विराजमान हयग्रीव भगवान रूपी चंद्र को स्फुरंतम वो भी प्रकाशमान चकाचक विराजमान त्वाम तुझे निशामये, यार मेरे अंतर्दृष्टि से देखता हूँ, यानी ध्यान में भगवान वेदांत देशिक जी ध्यान में हयग्रीव भगवान को जिस प्रकार दर्शन किए उस प्रकार इधर हम लोगों को समझाते हैं कि भले हम लोगों को हयग्रीव भगवान का साक्षात्कार नहीं भी हुआ हो तो जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ है वेदांत देशिक जी को उसे हमें अपने आंख पटल में वो दर्शाते हैं।
तमांसि भित्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घनी चंद्रमिव स्फुरन्तम्। अन्वय कैसे बताना है? विशदैः मयूखैः तमांसि भित्वा विदुषः चकोरान् सम्प्रीणयन्तं शरद्घने चंद्रम इव स्फुर नवपुंडरीके स्फुरंतम त्वाम निशामये, यानी अंतर्दृष्टि से देखता हूं ऐसा। क्योंकि इसके पहले भी श्लोक में आंतरिक दृष्टि की बात हुई है और बाह्य दृष्टि को छोड़कर आंतरिक दृष्टि की बात हुई है, इसलिए अंतर्मुखता की वजह से ये भगवान का साक्षात्कार करने का फल के रूप से भगवान का दर्शन जो हुआ है उसे हमारे लिए एक चित्र रूप से जैसे दिखाते हैं। आगे का श्लोक में प्रार्थना शुरू होती है। इस प्रार्थना के क्रम में भी इतना सुंदर अप्रोच है, भक्तों का अप्रोच कैसे होना चाहिए इसे वेदांत देशिक जी हमें कहते हैं। और आम मनुष्य के पास हो या अथवा बड़े बड़ी देवता के पास हो तो कैसी प्रार्थना करना है, पहले ही जाकर पूरा अपना बनाना नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे हृदय में, देवता के हृदय में पहुंचना चाहिए। किसी भी देवता के हृदय में पहुंचना है तो बहुत धीरे धीरे पहुंचना है, यकाएक नहीं प्रवेश कर सकते हैं हम लोग, उनको संतुष्ट करने की पद्धति ऐसी है। तो ये श्लोक, आगे का श्लोक और आगे का श्लोक, तीन श्लोक में किस प्रकार ये प्रार्थना को बढ़ाते जाते हैं, देखिए ये एक भक्त की जो होशियारी है, वेदांत देशिक जी की होशियारी इसमें दिखाई देती है। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संशितकामधेनुम्। बहुत सुंदर। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरंतीम सरस्वतीम संशित कामधेनुम, ऐसा पदच्छेद है। हे देव, हे हयग्रीव भगवन, कहीं भी देव शब्द आता है तो दिव्य क्रीडायाम धातु है, दिव्य धातु क्रीडार्थक लीलार्थक है, अनेक लीलाएं करने वाले ये भगवान, भगवन संबोधन है। दया तरंगानुचराहा त्वदीयाहा कटाक्षाहा, आपके जो आंख की कटाक्ष हैं, यानी आपके जो देखने लायक मैं बन जाऊं तो मैं आपका कटाक्ष का पात्र बनूं, कैसे? दया तरंगानुचराहा त्वदीयाहा कटाक्षाहा, आपके कटाक्ष कैसे हैं, आपका देखने की तरीका कैसी है? दया रूपी तरंगों को, दया एक बड़ा समंदर है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लहर आते हैं और उन लहरों का लहरों का जो समुदाय है वही एक कटाक्ष, दो कटाक्ष, तीन कटाक्ष, ऐसा हमारे ऊपर गिरने वाले, बहुवचन में कहते हैं त्वदीया कटाक्षा दया तरंग अनुचरा, दया रूपी जो लहर हैं उनका अनुकरण करने वाला है, दया रूपी जो तरंग है उनका अनुकरण करने वाले जो आपके कटाक्ष हैं वो पुंसम श्रोत्रेषु अमृतम क्षरंतीम, वो उस कृपा दृष्टि से आप क्या कर सकते हैं कि मनुष्यों के वाणी को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? अभी तो वाणी इतनी सुंदर नहीं है, मीठी नहीं है, वाणी में बहुत कटुता है। वाणी, कुछ लोगों की वाणी तो बहुत मीठी रहती है और हम जैसे लोगों की वाणी में न तो स्वादिष्टता है परंतु न तो कुछ सरलता है, न तो मृदुलता है परंतु कठोरता है। ऐसे लोगों के हृदय में भी भगवान अपनी कृपा दृष्टि को वर्षित करके क्या बनाते हैं? प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं, तो उनकी वाणी भी बहुत मीठी निकलती है। ऐसी वाणी को मुझे, ऐसी वाणी रूपी सरस्वती को मुझे अनुग्रह करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है।
वो शब्दों के ऊपर ध्यान दें थोड़ा। श्रोत्रेषु अमृतम क्षरंतीम, कानों पे अमृत का प्रवाह को छोड़ने वाली। सर संशित कामधेनु, आश्रित लोगों को कामधेनु के समान विराजमान जो सरस्वती है, वाणी है सदा में दिशंत। ऐसी वाणी को सदा के लिए मुझे आपके कटाक्ष का एक के पीछे एक आने वाले कटाक्षों का तरंग जो है, तरंग रूपी जो कटाक्ष है वो हमें ऐसे वाणी का प्रदान करें जो मीठी लगे लोगों के कान पे, अमृत का प्रवाह धारा जैसे एक सुंदर वाणी सरस्वती को हमें अनुग्रहित करें, ऐसी प्रार्थना है। दिशंतु शब्द उसे अनुग्रहित करें हमारे लिए, ऐसा वाणी को प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। ये तो छोटी सी प्रार्थना है, हम अच्छी वाणी मुझे दें, बस इतनी ही प्रार्थना है। आगे का श्लोक में देखिए कि इससे बढ़कर मांगते हैं, उससे बढ़कर मांगते हैं, क्रमशः हृदय में घुसना है। पहले तो सामान्य रूप से मेरा ये काम होना है ऐसा, बाद में मुझे ये भी काम होना है, अब ये भी काम होना है, ऐसे भक्त लोगों के हृदय में, बड़े लोगों के हृदय में जैसे भक्त लोग प्रवेश करते हैं उसकी तरीका इधर बताते हैं। ये हम लोगों को देवता के पास पुरस्चरण करने की प्रक्रिया में फल जब मांगते हैं तब सावधान मांगना है। पहले हयग्रीव भगवान की कृपा से, हयग्रीव भगवान की इच्छा क्या है इस दुनिया में, ज्ञान का फैलाने का काम करना है। उनसे जाकर पैसा मांगेंगे तो कोई नहीं देंगे, भगवान नहीं देंगे। हयग्रीव भगवान के पास, लक्ष्मी जी के पास जाकर मांगो, लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन प्रदात्री देवता है, धन देगी। परंतु हयग्रीव भगवान का उद्देश्य ही अलग है, जिस देवता को क्या उद्देश्य है, उनकी इच्छा क्या है, वो समझकर उनसे वही चीज मांगा जाता है। इसलिए इस हयग्रीव देवता से ज्ञान की प्रार्थना, सरस्वती की प्रार्थना की करते हैं। सरस्वती यानी वाणी का प्रतीक है। संशित कामधेनु, आश्रित लोगों के लिए कामधेनु के समान सब कुछ प्रदान करने वाली, यानी ज्ञान है तो धन पीछे पीछे आ सकती है, धन के पीछे ज्ञान कभी भागती नहीं है। इसलिए पहले ये इसे चाहते हैं, जिस सरस्वती से लोग संतुष्ट हो जाएं, अर्थात सबके कान में मीठा मीठा आवाज़ और अमृत के समान गिरता हो, ऐसी वाणी मांगते हैं। दिशंतु मे देव सदा त्वदीयाः दया तरंगा अनुचराः कटाक्षाः, श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संशितकामधेनुम्। विशेष वित्पारिषदेषु नाथ विदग्ध गोष्ठी समरांगणेषु, जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः। इस श्लोक में देखिए उससे बढ़कर एक बहुत बहुत बड़ी चीज मांगते हैं, यानी भिक्षुपाद प्रसरण न्याय, ऐसा एक न्याय है। भिक्षुपाद प्रसरण, एक घर पे जाकर भिक्षु क्या करता है, थोड़ा सा मैं इधर बैठ जाऊँ क्या, ऐसा पूछता है। हाँ बैठो भाई, धीरे धीरे मैं पैर इधर अंदर रख लूँ, थोड़ा थोड़ा भिक्षु पाद प्रसारण करता है घर के अंदर, बाद में अंदर ही जाकर बैठ जाता है, बाद में अंदर भोजन भी कर लेता है, ऐसा कभी कभी होता होगा। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय, ऐसा एक न्याय बताते हैं। और हम तो अपनी भाषा में तो ऊंट ऊंट जेवा छे, या ऊंट जैसा है, ऐसा गुजराती लोग बोलते हैं ऊंट जेवा छे, यानी क्या है, ऊंट थोड़ा सा मुख रखेगा अंदर, बाद में धीरे धीरे अंदर का आदमी को बाहर निकाल कर स्वयं अंदर चला जाएगा। तो उसी प्रकार धीरे धीरे हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या प्रार्थना है, विशेष वित्पारिषदेषु नाथ विदग्ध गोष्ठी समरांगणेषु, जिगीषतः मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्र सिंहासनम अभ्युपेयाः। पहले तो ये प्रार्थना किए थे कि थोड़ा सा वाणी मीठा हो जाए, लोगों को सुनने लायक बन जाए, अमृत के समान कानों पे गिरे, ऐसी वाणी को प्रदान करना, ऐसा प्रार्थना किए थे हयग्रीव भगवान। यस, हाँ बोल दिए। तो अब क्या है, हाँ बोल दिए ना, थोड़ा और आगे भी थोड़ा अंदर जाना है हयग्रीव भगवान के हृदय में घुस के। और क्या मांगते हैं, आप ही मेरे जिह्वा में आकर बैठ जाइए, जीभ में आकर बैठ जाइए ना,
ऐसा बड़ी प्रार्थना करते हैं। ये क्रम है देवताओं से प्रार्थना करने का क्रम है। देवता एक बार प्रसन्न हो गई, दे गई, कुछ देती है, तो नेक्स्ट प्रार्थना थोड़ा बढ़कर रहना चाहिए, ऐसा बढ़कर बढ़कर प्रार्थनाओं को करनी चाहिए। और विशेष विद पारिषदेशु, कितना सुंदर, विशेष विदों का जो परिषद है, अर्थात बड़े बड़े ज्ञानियों का जो परिषद है, सभा है, उसमें विदग्ध गोष्ठी समरांगणेशु, वहाँ विदग्धता की वजह से, विदग्धता यानी पांडित्य है, पांडित्य परिपूर्ण जो बड़ी गोष्ठी है, बहुत बड़ा बड़ी सभा है, उसमें वही एक समरांगण है, वहाँ वाद विवाद होता है, वो बहुत बड़ा युद्ध रंग होता है। और उस समरांगण में जिगीषतः में कवितार्किक केंद्रान जिगीषतः में, बड़े बड़े कवितार्किक शेर आते हैं वहाँ, कवि शेर आते हैं, तार्किक शेर आते हैं, उन शेरों को जीतने के लिए जिगीषतः जीतने की इच्छा रखने वाले मुझे, मेरी जिह्वाग्र सिंहासनम, मेरा जो जिह्वाग्र सिंहासन है, जीभ के आगे एक सिंहासन है, उस सिंहासन में आके आप बैठ जाओ ना, मैं जीतना चाहता हूँ उन वाद विवादों में, पंडितों से जीत पाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप आकर बैठ जाइए ना, पहले तो वाणी मांगे। अभी तो जिह्वाग्र सिंहासन में ही, जिह्वाग्र में जो सिंहासन है उसमें बैठने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे के श्लोक में देखिए और बड़ी प्रार्थना करेंगे, और धीरे धीरे अपनी प्रार्थना को बढ़ाते ही देवता राजी हो जाए तो सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा, तो धीरे धीरे प्रार्थना सफल हो जाएगा। और इस श्लोक को एक बार पढ़ेंगे, अन्वय भी बताऊंगा। विशेष विद पारिषदेशु नाथ विदग्ध गोष्ठी समरांगणेशु जिगीषतः मे कवितार्की केंद्रान जिह्वाग्र सिंहासनम अभ्युपेयाः, आकर बैठ जाओ, ऐसी प्रार्थना है। हे नाथ विशेष विद पारिषदेशु, विशेष विदों का जो परिषद है उसमें बीच में विदग्ध गोष्ठी समरांगण, वो और कैसा है, विपश्चित जो बड़े बड़े निपुण हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, धुरंधर हैं, उन लोगों की जो गोष्ठी में समरांगणेशु, उनका जो वाद विवादों का युद्ध रंग है, उसमें कवितार्किक केंद्रान जिगीषतः, बड़े बड़े कवि तार्किक शेर सिंह जैसा रहने वाले लोगों को जीतने की तड़पन रखने वाले मेरे जिह्वाग्र सिंहासन में, जीभ के आगे के भाग में एक सिंहासन में, सिंहासन रखकर उसमें आप विराजमान हो जाओ, ऐसी प्रार्थना। अर्थात जीभ में आकर भगवान विराजमान हो जाए तो तब तो कौन सबको भी जीत सकते हैं, वही आखिर काम हुआ है वेदांत देशिक जी को, शतदूषणी इत्यादि ग्रंथों में प्रतिवादियों का के ऊपर जीत पाए हैं, और ये हयग्रीव भगवान की प्रार्थना की वजह से ही हुई है। आगे के श्लोक में और बड़ी प्रार्थना देखिए। त्वं चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्नां स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छन्दवादाः वबद्धशूरः, इस समाज में मैं कैसे विराजमान रहना है, ऐसी प्रार्थना करते। इस समाज में मेरे लिए बहुत बड़ा नाम चाहिए, नाम चाहिए यानी कैसा नाम चाहिए वो बताते हैं। देखिए वो तुम्हारा भक्त ऐसा नाम चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। त्वाम चिंतयन, तुझे ही देखना चाहिए, तुझे ही चिंतन करना चाहिए, त्वन्मयताम पर आप ही हो जाना चाहिए मैं, है कि नहीं भगवान, यानी कौन है यार वेदांत देशिक ऐसा लोग बोले, और इतना पर्याय शब्द हो जाना चाहिए, त्वन्मयताम प्रपन्नः त्वामुद्गृणन, सदा के लिए तुम्हारा नाम लेते हुए, शब्दमयेन धाम्ना, शब्द रूपी तेजस से, अर्थात सुंदर सुंदर शब्दों से, मंत्रमयम शरीरम शब्द से पहले बताए हैं, भगवान मंत्र रूपी शरीर को धारण करने वाले हैं ना, इसलिए शब्दमयेन धाम्ना त्वाम उद्गृणन, आप ही को मेरे वाणी में लेते हुए, आपके बारे में बोलते हुए, समाजेशु, इस समाज में, सभा में, सभाओं में, स्वच्छंद वादाह व बद्ध शूरहा, मेरे सक्षम व्यक्ति हैं वो, सामने वालों का हृदय को भी जानकर, आगे के आगे आगे स्टेप में वो क्या क्या वाद करने वाले उसे समझकर, उससे भी आगे अपना प्रश्न को रख देना, और आदमी कैसे उत्तर दें ये समझना भी मुश्किल जिसको हो जाए, ऐसी हालत बनाकर बद्ध शूरहा, बड़ा शूर है ऐसा समाधिशी है, समेधिशी है, ऐसा नाम से मैं विराजमान रहूं इस दुनिया में,
मैं ऐसा रहना, मुझे यह ख्याति लाभ पूजा सुविमुख वैष्णवे जने क्रयणीय दशा प्राप्त तस्मै भव्याय मंगलम, ऐसा वेदांत शिख जी का मंगल श्लोक में वो ना न तो नाम चाहते हैं न तो धन चाहते हैं, परंतु ये किसके लिए चाहते हैं नाम, तो भगवान हयग्रीव भगवान का की ख्याति होना चाहिए, तो उनके भक्तों की ख्याति हो तब जाकर हयग्रीव भगवान की ख्याति होगी। त्वामुद्गृणन शब्द में इसलिए कहते हैं त्वाम चिंतयन त्वन्मयताम प्रपन्नः त्वामुद्गृणन त्वाम 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 शब्द का प्रयोग तीन चार बार किए हैं, तीन बार किए त्वाम त्वन्मयताम त्वामुद्गृणन तीन शब्द में युष्म शब्द का प्रयोग किए हैं, और तुझे ही सोचना है, तुझे ही तुम्हारे शरणागति करनी चाहिए और तुम्हारे जैसा ही हो जाना चाहिए और तुम्हारे बारे तुम्हारा नाम लेना चाहिए सदा के लिए, ऐसा रहते हुए वादों में स्वच्छंदता से वाद कर सब लोगों को जीतने वाला ऐसी ख्याति प्राप्त कर लूँ, ऐसी प्रार्थना ये तीसरे श्लोक में करते हैं। ये तीनों तीन प्रार्थना के रूप में विराजमान श्लोक है। इस प्रकार ये श्लोक सातवां श्लोक है आज के संदर्भ में, तमाम सी से लेकर दिशंतु और विशेष वित्त पार्षदेशु त्वाम चिंतयन। और एक बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ, आगे का एक चार श्लोक की एक दूसरा ग्रुप का श्लोक भेजता हूँ। त्वाम चिंतयन त्वन्मयताम प्रपन्नः त्वामुद्गृणन शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिषीय स्वच्छंदवादाहवबद्ध शूरः वादरूपी जो आहव युद्ध उसमें मैं बद्धशूर होना चाहिए, और ये शूर ऐसे ऐसा नाम सबके बीच में होना चाहिए उनके बीच में, और यही बड़ा शूर है ऐसा लोग बोले ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमती वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।